एक राजस्थान का छोटा सा गांव है जहाँ पर सर्दियों में सभी के खेतों में इस तरह की सब्जियाँ लगा देते हैं, जैसे टमाटर है, टमाटर क्या है, सब्जी बना देते हैं यहीं से तोड़ के। छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं, पक रहे हैं। सब नहीं तोड़ेंगे, जितनी सब्जी बनानी है उतना ही यहाँ से लेंगे सब्जियाँ। सर्दियों में तो इस तरह के सभी के खेतों में उग जाती है सब्जियाँ लगाते हैं। गर्मियों में बिल्कुल इसके विपरीत कुछ नहीं होता, खेतों में सबके खेत सूखे पड़े होते हैं और सूखी सब्जी बनानी होती है। नहीं तोड़ेंगे अब ये। चलो एक आधा ले लेती हूँ। बैंगन भी है, बैंगन चलो ले लेते हैं से। और कहाँ है, सर्दियों में सभी के खेतों पे इस तरह की सब्जियां उगाते हैं। और ये है गांव, जो सब्जियां होती नहीं, बाहर कैसे जाए सब्जी लेने के लिए, जैसे बहुत दूर पड़ता है दूसरे गांव में जाने से। गांव दूर है, जा नहीं सकते। खेत पे उगती है तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये सब्जियाँ, इनका स्वाद अलग होता है। जैसे ये सब गोबर की खाद देते हैं इसमें, जी देखिए। सर्दियों में तो सब्जियां मिल जाती है, जैसे सब्जी बनानी होती है ताज़ा ला, खेत से ताज़ा लाते हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़ देते हैं। ये देखिए इतना छोटा सा पौधा है, लेकिन मिर्च कितनी लगी है इसमें। गोबर की खाद देते हैं, कोई स्प्रे विस्प्रे नहीं करते इसमें,
बाजार से कुछ भी ला के, इसमें कीड़े भी नहीं होते, गोबर की खाद देते हैं और इनके ऊपर थोड़ी बहुत राख भी डाल देते हैं। छोटे जानवर होते हैं जो ऊपर ना बैठे इनके ऊपर। ये देखिए सब्जी, और अभी तो बहुत मिर्चे हैं यहाँ पर भी, ये अभी नहीं लेंगे, जब हमको चाहिए तभी लेंगे। ये हैं वापस आ गए बैंगन, चुप रहा है कहाँ पे, आजा आजा। ये देखो और यहाँ पे हैं और बैंगन तो बहुत है, लेकिन हमको जितनी सब्जी बनानी है उतना ही यहाँ से लेंगे, उतनी ही सब्जी। ठीक है ओके, बस और देखते हैं कहाँ पर है बैंगन, कहाँ छुपाए। राजस्थान के गांव की यही विशेषता है कि बारिश में या तो खेतों में कुछ उगाते हैं या सर्दियों में थोड़ा बहुत, वो भी जहाँ पे उनके पानी हो खेतों में, वरना गर्मियों में तो दूर दूर तक सब सूखे होते हैं खेत।